हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस हर रोज पाने के लिए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द गवर्नर। बेसिकली फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नर्स, कि कौन कौन से गवर्नर्स हम लोग यूज करते हैं। और उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हमारा पहला गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर लेटेस्ट वीडियो आती है तो आपको उसकी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गवर्नर है उनको टू टाइप्स ऑफ द गवर्नर में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है इनर्शिया गवर्नर और सेकेंड आता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। बट गाइस, आप देखेंगे कि इनर्शिया गवर्नर जो होता है उसका यूज बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोग मास यूज करते हैं, जो बॉल्स ऑफ द मास जो यूज करते हैं हम लोग, उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से उसका बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं होता। इस कारण से हम जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, तो इनर्शिया गवर्नर का यूज कम होता है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को फर्दर दो भागों में बांटा गया है, पेंडुलम टाइप ऑफ द गवर्नर और लोडेड टाइप ऑफ द गवर्नर। पेंडुलम टाइप ऑफ द गवर्नर का एक ही पार्ट है जिसे हम कहते हैं वॉट टाइप गवर्नर। ठीक है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसे मैकेनिकल गवर्नर भी कहते हैं, तो बेसिकली वही होता है वॉट गवर्नर। लोडेड टाइप ऑफ द गवर्नर को बेसिकली आगे टू टाइप्स ऑफ द गवर्नर में बांटा गया है, ग्रेविटी लोडेड और स्प्रिंग लोडेड। ग्रेविटी लोडेड गवर्नर को आगे दो भागों में बांटा गया है, पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर। एंड स्प्रिंग लोडेड गवर्नर को आगे चार भागों में बांटा गया है, हार्टमिल गवर्नर, विल्सन गवर्नर, हार्टन गवर्नर और पिकरिंग गवर्नर। तो गाइस, बेसिकली इतना बड़ा क्लासिफिकेशन तो है गवर्नर का, बट इसमें हम लोग कुछ ही जो इम्पोर्टेंट गवर्नर्स होते हैं वो पढ़ते हैं। जैसे कि एक होता है वॉट गवर्नर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पोर्टर गवर्नर, देन हार्टमेल और विल्सन गवर्नर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नर है, जिनका हम फर्दर डिस्कशन अच्छे से करेंगे। बेसिकली इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है और कैसे वो वर्क करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सामने जो डायग्राम दिया गया है ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का, जो कि इसका एक टाइप है वॉट गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल का एक पार्ट होता है पेंडुलम टाइप ऑफ द गवर्नर और द वॉट गवर्नर। ठीक है, पेंडुलम टाइप ऑफ द गवर्नर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो एक पेंडुलम टाइप होती है, इस कारण से इसको पेंडुलम टाइप बोलते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार का वॉट गवर्नर ही है, बट ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का ओल्डेस्ट फॉर्म है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी कारण से इसको हम लोग नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर ही बोलते हैं। तो गाइस, ये डायग्राम आपके सामने जो दिया गया है ये कंप्लीट अच्छा डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का। तो बेसिकली अभी सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं, उसके पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में। तो गाइस, ये जो साइड में जो आपके पास ये दो बॉल्स हैं, वे इक्वल मास के टू बॉल्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं आर्म से। ओके गाइस, और ये जो बीच का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपर्स। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं स्लीव। ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं बीवेल गियर। बीवेल गियर जानते ही होंगे फ्रेंड्स आप, इसमें क्या होता है, जो ड्राइवन शाफ्ट होता है और जो ड्रीवन शाफ्ट होता है, दोनों का जो रोटेशन ऑफ द एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सपोज अगर ये ड्रीवन शाफ्ट है तो जो ड्राइवर शाफ्ट होगा उसका रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऐसा होगा, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं ये लोग। ठीक है, और ये हमारा है इंजन शाफ्ट, जहां से इंजन रन कर रहा होता है। ये है बेल क्रैंक लीवर। ओके, और ये है थ्रोटल वाल्व। और यहां से हमारा वर्किंग फ्लूइड एंटर करता है और यहां से आउट हो जाता है। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, अब हमने सारे इसके पार्ट्स देख लिए,
अब हम डिस्कस करेंगे इसके एक पार्ट्स को और इसका वर्किंग प्रिंसिपल को, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में बताने से पहले मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि गवर्नर आखिर होता क्या है। तो जैसे कि मेरे पहली वीडियोस में आपने देखा होगा कि गवर्नर बेसिकली क्या होता है कि एक डिवाइस होता है जो मीन स्पीड को मेंटेन करके रखता है, इंजन की मीन स्पीड को, जो मीन स्पीड होती है उसे मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और हम लोग बोले कि कॉन्स्टेंट बना के रखता है। अब ये किस कैसे बना के रखता है कि जब इंजन पे लोड बढ़ता है, लोड डिक्रीज होता है और या फिर इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड जो हमारे इंजन में आ रहा होता है तो उसको ये कंट्रोल करता है। अगर सपोज हमारा जो लोड है वो इंक्रीज हो गया, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड डिक्रीज हो जाता है, तो गवर्नर का काम ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो उसको वर्किंग फ्लूइड को बढ़ाता है ताकि हमारा इंजन जो है वो मेन स्पीड पे काम कर सके। और सपोज अगर लोड डिक्रीज हो गया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो वर्किंग फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा मात्रा में बहने लग जाता है, तो उस कंडीशन में गवर्नर क्या करता है, वर्किंग फ्लूइड को कम कर देता है। अब ये वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। तो गाइस ये आपके पास जो डायग्राम है इसमें हमारे पास दो मास होते हैं, ठीक है, जिसे हम बैलेंसिंग मास कहते हैं। तो ये एक आर्म से जुड़े होते हैं और हमारे पास होता है इंजन का शाफ्ट। तो इंजन शाफ्ट जो होता है बीवेल गियर से जुड़ा होता है, मतलब इंजन का शाफ्ट जितनी स्पीड से रोटेट करता है उतनी स्पीड से हमारा ये स्पिंडल पे जो स्पिंडल होता है वो रोटेट करता है, ठीक है। अब चूंकि ये जो मासेस हैं ये इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं, तो जब हमारा स्पिंडल रोटेट करता है तो उसके साथ साथ ये मास भी रोटेट करते हैं, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से रोटेट करते हैं। तो आपने कभी गौर किया होगा कि जब हम किसी रस्सी में बोल बांध के उसको अगर घुमाते हैं तो हमारे आउटसाइड में क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण से क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की ओर मूव करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोल जो है ये आउट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, बाहर की तरफ मूव करने लग जाते हैं, जिससे कि ये वाला पार्ट हमारा ऊपर की ओर मूव करता है। अब ये कब करेगा, जितनी तेज से हमारा इंजन शाफ्ट मूव करेगा उतनी तेज स्पिंडल मूव करेगा और रिजल्टेंट क्या होगा, वैसे ही ये जो मासेस है ये भी ज्यादा बाहर जाएंगे। तो आप देखिए जैसे ही ये मासेस ज्यादा बाहर गए तो हमारा ये वाला पार्ट ऊपर उठा और इसी के कारण से हमारा ये पार्ट जो है स्लीव ये भी ऊपर उठा। अब इंजन की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो इंजन स्पीड ज्यादा होने के कारण से क्या होगा, जो वर्किंग फ्लूइड है वो उसमें क्या होगा, ज्यादा है मतलब ज्यादा मात्रा में उसमें वर्किंग फ्लूइड आ रहा है तो उसको वो कंट्रोल करेगा। अब सपोज कि हमारे पास जो इंजन का जो शाफ्ट है वो कम, मतलब इसकी जो घूमने की जो वो है गति वो कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पिंडल भी धीरे घूमेगा और स्पिंडल घूमने से क्या होगा, धीरे घूमने से ये जो मासेस है ये नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव करेंगे, मतलब नीचे की ओर झुकेंगे, जिससे कि ये वाला पार्ट भी हमारा वापस से कॉन्ट्रास्ट करेगा और स्लीव नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा टोटल वाल वापस से वेरिएशन करेगा और वर्किंग फ्लूइड में वेरिएशन आएगा। तो बेसिकली ये था सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। तो गाइस सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को आपने अच्छे से देखा और इसको समझा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आप अगर चाहते हैं कोई और बेहतर तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं तो प्लीज आप बताइए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।